आज इस वीडियो में सात ऐसे बेस्ट, सैडेस्ट और हार्ट ब्रोकन एनिमे मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें देखकर आपका सख्त दिल भी पिघलेगा जरूर। मैं पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में जिन एनिमे मूवीज के बारे में मैं बताने वाला हूँ, उन मूवीज में 5 cm/s, आई वॉन्ट टू ईट योर पैनक्रीज, योर नेम, वेदरिंग विथ यू, इन सब का नाम नहीं है, क्योंकि आई नो कि आप में से ज़्यादातर लोग या सभी लोग इन एनिमे मूवीज़ को ऑलरेडी देख चुके होंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे एनिमे मूवीज़ को ढूंढ कर लाया हूँ जिन्हें आपने नहीं देखा होगा और आपको देखना चाहिए। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी एनिमे फैंस के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए। हेलो गाइज, यू आर वॉचिंग फैक्टोलिस। अगर आप भी मेरी तरह ट्रू एनिमे लवर हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट लेना डेली अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। नंबर 7, Children Who Chase Lost Voices। दोस्तों ये एनिमे मूवी भी मकोतो शिनकाई की है और इस मूवी को 5 cm/s के बाद रिलीज किया गया था। इस एनिमे मूवी को 2011 में रिलीज किया गया और इस मूवी की लेंथ के बारे में बात करें तो ये मूवी 1 hour 56 minutes की है और IMDb रेटिंग पे इसे 7.1 की रेटिंग मिली है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये एनिमे मूवी कितनी अच्छी है। दोस्तों ये एक अच्छी खासी हार्ट ब्रेकिंग एनिमे मूवी है जिसे आप देख सकते हैं। नंबर 6, जोसी द टाइगर एंड द फिश। दोस्तों इस एनिमे मूवी को 2020 में रिलीज किया गया। इस मूवी की लेंथ है 1 hour 39 minutes और IMDb पे 7.6 की रेटिंग है। तो ये स्टोरी बेस है एक यंग मैन के लाइफ के ऊपर जिसका नाम है सुनियो सुजुकावा, एक मैरीन बायोलॉजी का स्टूडेंट जो कि विदेश जाकर अपने करियर को डेवलप करना चाहता है। इसीलिए वो पैसे जुटाता है अलग अलग कामों को करके और उन पैसों को सेव करता है। दोस्तों अचानक एक दिन उसकी मुलाकात एक ओल्ड लेडी से होती है जो उसे एक ऑफर देती है। ओल्ड लेडी उसे ऑफर देती है कि उसे केयर टेकर की जॉब करनी है। इस जॉब को करने के लिए वो ओल्ड लेडी उसे बहुत अच्छा पैसा देने को तैयार होती है। जिस बात को सुनकर जो हमारा मेन करेक्टर है वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। उसे असाइन किया जाता है उसके ग्रैंड डॉटर के टेक केयर के लिए जिसका नाम कुमिको है, जो कि व्हील चेयर पर बैठी हुई एक डिसेबल पर्सन है। दोस्तों स्टार्टिंग में तो कुमिको को वो एक एनॉइंग पर्सन लगता है, पर बाद में दोस्तों दोनों के बीच बातचीत होती है और उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ अपने ड्रीम्स को शेयर करते हैं और भी बहुत कुछ आपको इस एनिमे मूवी में देखने को मिलेगा, तो इसे भी आप जरूर चेकआउट कर लेना। नंबर 5, वॉल्फ चिल्ड्रन। इस एनिमे मूवी को 2012 में रिलीज किया गया। इस मूवी की लेंथ है 1 hour 57 minutes और IMDb पे 8.1 की रेटिंग है। मतलब रेटिंग देखकर तुम अंदाजा लगा सकते हो कि एनिमे मूवी कैसी होगी। इसमें कहानी दिखाई गई है एक माँ की जो कि अपने दो बच्चों की देखभाल करती है, पर दोस्तों इसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं है। दरअसल दोस्तों उसके हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उसका जो हस्बैंड है वो कुछ नॉर्मल पर्सन नहीं था। उसका हस्बैंड आधा इंसान और आधा वुल्फ था और अपने फादर के DNA की वजह से ये दो जो बच्चे हैं ये भी आधे इंसान और आधे वुल्फ हैं। तो उसकी माँ के लिए चैलेंज ये है कि उन्हें सर्वाइव करना है इस मॉडर्न वर्ल्ड में और उसे अपने दोनों बच्चों की आइडेंटिटी को भी छुपाकर रखना होगा। तो इस एनिमे मूवी के एंड में एक बहुत ही अच्छी सीख आपको मिलेगी, जो सीख मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। जब आप इस मूवी को देखेंगे तब आप खुद रियलाइज करेंगे। नंबर 4, द गर्ल हु लिव्ड थ्रू टाइम। दोस्तों इस एनिमे मूवी को 2006 में रिलीज किया गया। इस एनिमे मूवी की लेंथ है 1 hour 38 minutes और इसे IMDb पे 7.7 की रेटिंग मिली हुई है। जैसे कि एनिमे मूवी के टाइटल से ही आप समझ सकते हो कि इसमें स्टोरी है टाइम ट्रैवलिंग के ऊपर, यानी कि इसमें आपको टाइम ट्रैवल एडवेंचर भी देखने को मिलेगा। इस एनिमे मूवी में जो कहानी है वो कहानी है एक हाई स्कूल स्टूडेंट जिसका नाम है मकोटो। वो हाई स्कूल के लास्ट ईयर में पढ़ रही होती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक एबिलिटी है टाइम ट्रैवल करने का, और उसके बाद वो टाइम ट्रैवल करके कैसे अपने लाइफ को चेंज करेगी और अपने आसपास के लोगों के लाइफ पर भी इम्पैक्ट डालेगी, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा ताकि आपको स्पॉइलर ना मिले। और इस एनिमे मूवी को जो आप अपना टाइम दोगे वो टाइम बिल्कुल वर्थ इट है। इस एनिमे मूवी को वर्ल्ड वाइड देखा गया है और बहुत ही पसंद किया गया है, तो इस मूवी को जरूर देखना। ये वन ऑफ द बेस्ट सैडेस्ट एनिमे मूवी है। नंबर 3, इनटू द फॉरेस्ट ऑफ फायरफ्लाइज लाइट। इस एनिमे मूवी को 2011 में रिलीज किया गया और इस मूवी की लेंथ है 45 minutes। एक बहुत ही छोटी शॉर्ट एनिमे मूवी है जिसे देखकर आपको भरपूर मजा मिलेगा। IMDb पे 7.8 की रेटिंग मिली हुई है। इस एनिमे मूवी की एक यूनिक स्टोरी है, यूनिक कॉन्सेप्ट है। मैं इस एनिमे मूवी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि वैसे भी ये सिर्फ 45 मिनट्स की है और अगर मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ तो फिर देखने को बच ही नहीं जाएगा कुछ। इसीलिए आप इसे खुद देखना, इंजॉय करना, तभी जाकर आप
इसे ज्यादा फील कर पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब आपको मजा आ रहा है, भले ही थोड़ा मजा क्यों ना आ रहा हो। तो इस वीडियो को लाइक कर दो और कॉमेंट सेक्शन में बताना कि क्या इस वीडियो का पार्ट टू चाहिए या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इन एनिमे को इंग्लिश, हिंदी या जापानीज में देखना चाहते हो और आपको कहीं पे मिल नहीं रहा है और आपको प्रॉब्लम हो रहा है देखने में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, क्योंकि जब फैक्टोली से साथ तो डरने की क्या है बात। नंबर टू, अ साइलेंट बॉय। इस एनिमे मूवी को 2016 में रिलीज किया गया। इस मूवी की लेंथ है 2 hours 10 minutes और IMDb पे 8.1 की रेटिंग है। अ साइलेंट बॉयज, ये एनिमे मूवी आपको एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पर लेके जाएगी। इस एनिमे मूवी में दोस्तों एक लड़की की कहानी है जो कि सुन नहीं सकती है और एक लड़का उसे बुली करता है। चाइल्डहुड टाइम पे जब वो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं साथ में, तो वो लड़का उस लड़की को बुली करता है, और दोस्तों जब लाइफ में वो आगे बढ़ते हैं तो बाद में जाकर इन दोनों के बीच मेल मिलाप होता है। पहले तो ये एक दूसरे से आई कॉन्टेक्ट भी नहीं करते हैं, पर बाद में जाकर ये एक दूसरे को समझते हैं, और भी बहुत कुछ होता है इस एनिमे मूवी में। आई नो कि आप में से ज्यादातर लोग इसे देख चुके होंगे क्योंकि एक बहुत ही फेमस एनिमे मूवी है, पर अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। नंबर वन, इस एनिमे मूवी को 1988 में ही रिलीज किया गया और इस मूवी का नाम है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। इस एनिमे मूवी की लेंथ है 1 hour 29 minutes और IMDb पे 8.5 की रेटिंग है, और दोस्तों ये मूवी बहुत ही अमेजिंग है। कहानी दिखाया गया है वर्ल्ड वॉर टू के टाइम का। इसमें एक यंग लड़के की कहानी है जो कि अपने एक लिटिल सिस्टर यानी कि छोटी बहन के साथ सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल करता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं दिखाया गया है, ये एक रियल लाइफ को भी दिखाया गया है। ये एनिमे मूवी जापान में रहने वाले उन रियल लाइफ लोगों के ऊपर दिखाया गया है जो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर सरवाइव कर रहे थे। ये बहुत ही इमोशनली और सैडेस्ट एनिमे मूवी है जिसे देखकर आपका दिल पिघलेगा जरूर, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और ये वन ऑफ द बेस्ट सैडेस्ट हार्ट ब्रोकन एनिमे मूवी है, तो इसे जरूर देखना। आई होप कि इन 7 बेस्ट एनिमे मूवीज को आप जरूर देखेंगे। अगर नहीं देखे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि सबसे पहले आप इनमें से कौन से एनिमे मूवी को देखने वाले हैं। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और फैक्टोलिस को सोशल मीडिया पर फॉलो करें, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो। और दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ अपलोड करने का। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना। और दोस्तों अगर हार्ट ब्रोकन के अलावा रोमांटिक एनिमे मूवीज देखना है तो आपके स्क्रीन के सामने में जो ये वीडियो आ रहा है उस पर क्लिक करके आप देखिए 7 बेस्ट रोमांटिक एनिमे मूवीज, वो भी बिल्कुल फ्री। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम, तब तक देखते रहो फैक्टोलिस।